ऐसे तो हम तुमको ले जाने को राजी भी हो जाती, लेकिन चलवी चमचंदर माँ चमके भोला तेरे पाल पे भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली होंगे डाल डाल के अपना वाला लहंगा मुझे दे दो। और जब जब आप अपना वाला लहंगा मुझे दे देंगे ना, तो हम चलने को तैयार हैं। लिबा चलिए मुझे चमी चम चंदर बोलिए शंकर भगवान की माता पार्वती जी के शंकर भगवान को दिया अपना लहंगा। अच्छा सचे जी बताना, भोले बाबा रहे लंबे अब पार्वती मैया छोटी। भोले बाबा ने जब पार्वती मैया का पहना लहंगा घुटनों तक चढ़ गया, पार्वती मैया बोली बाबा तो हो गई रासलीला, कायस तुम्हारे घुटनों पर चढ़ा है। भोले बाबा बोले देखो अब है सही, लच गए अब सही है, ठीक है अब भी सही नहीं है, ठीक है ठीक है। हाँ देखो एक बार बताए, अभी हम सही नहीं समझ पा रहे हैं, अब की बार देखना अब बिल्कुल सही नजर आएंगे। तो आप तो पार्वती मैया बन गए, अब है सही है। अच्छा बोलिए शंकर भगवान जय हो। भोले बाबा ने अपने हाथों में हरी पीली चूड़ियों को पहना, सोलह सिंगार किया, पार्वती मैया के साथ में चल पड़े। आगे आगे भोले पार्वती मैया और पीछे से भोले बाबा।
और कैसे चले पार्वती मैया जब चले तो धीरे 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 धीरे, और जब भोले बाबा चले सज्जन जी तो बरेली जैसे सिंगल ढप ढप है। कैसे जब हमारी माताएं बहने चला करती हैं तो इनके पैरों से आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। पार्वती मैया बोली भोले बाबा ऐसे चलो जैसे गौने वाली बहुरिया चलती है। भोले बाबा बहुत धीरे धीरे से पैर रखे, धीरे 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 चलते हुए महाराज लीला के पहले गेट पर पहुंचे ही। कितने रूप बनवाई हम पे? एक बार बताओ, पहले गेट पर जब पहुंचे, पहले गेट पर खड़ी है विशाखा। विशाखा ने जब पार्वती